अरिथमेटिक पाइपलाइन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे एडिशन ऑफ टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, मल्टीप्लाई ऑफ टू फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स. तो हम जो है एग्जांपल ले रहे हैं वो मल्टीप्लाई पाइपलाइन डिज़ाइन ले रहे हैं. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फिक्स्ड नंबर्स के लिए हम एक पाइपलाइन डिज़ाइन करेंगे. तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें टू फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और ये एक स्लो प्रोसेस होती है. इसमें क्या होता है कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिजल्ट जनरेट होगी वो कैसे जनरेट होती है. जैसे अगर हम ये एग्जांपल देखें, हमारे पास ये दो नंबर्स थे 8 बिट्स के, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये जो है पहले 1, अगर यहाँ पर 1 है तो ये सारी डिजिट्स जो सारी बिट्स हैं एज इट इज लिखी जाएंगी. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पार्शियल प्रोडक्ट, फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट है P0, और इसमें कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, जब हम नेक्स्ट बिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम यहाँ क्रॉस नहीं रख के क्या रखेंगे, एक सिंगल जीरो. ठीक है, सिंगल जीरो रखेंगे, और यहाँ पर 1 है तो ये सारी बिट्स वापस से एज इट इज लिखनी होंगी. लेकिन अब यहाँ पर जीरो ऐड करने की वजह से कितनी बिट्स हो जाएंगी, 9 बिट्स, तो 8+1 बिट्स. तो हम नेक्स्ट जो जनरेट करेंगे तो यहाँ पर जीरो है. अच्छा, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट जनरेट होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर 2 जीरो ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वाले के लिए 3 जीरो, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7. 8 बिट्स के लिए हम कहाँ से जाएंगे, P0 to P7, तो यहाँ पर 7 जीरोस तक हमें ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है, बस आपको यहाँ पर क्या देखना है, अगर 1 है तो सारी बिट्स एज इट इज आएंगी ये वाले, अगर यहाँ पर 0 है तो ये सारी 8 बिट्स 0 टाइम्स लिखनी पड़ेंगी. ठीक है, फिर यहाँ 0 आया, देखो तो यहाँ पर ये सारी 0 होनी है, लेकिन यहाँ पर 3 जीरो ऐड हुए हैं, यहाँ पर 4 जीरो ऐड हुए हैं. तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रोडक्ट्स को जनरेट कर लेंगे. समझ में आया, अगर 1 है तो हमने सारी बिट्स एज इट इज लिखी है, अगर 0 है तो 8 बिट्स की 8 बिट्स 0 लिखी है. ठीक है, हर केस में ऐसा ही हमने 8 टाइम्स रिपीट किया है, और यहाँ पर कोई भी 0 ऐड नहीं है, यहाँ पर सिंगल 0 एक्स्ट्रा ऐड होगा, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा 0 ऐड होंगे, यहाँ 3 होंगे, यहाँ 4 होंगे. जो मल्टीप्लिकेशन में हम क्रॉस लगाते हैं, यहाँ पर क्रॉस की जगह 0 लगाया. तो ऐसे करके हमारे पास 8 पार्शियल प्रोडक्ट्स जनरेट हो जाएंगे. पहले वाले में 8 बिट्स हैं, फिर 9 बिट्स हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बिट्स. ठीक है, अब इनको हम ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये भी 1, ये भी 1, ये हो गया 2, तो 2 मतलब होता है 0 एंड 1 कैरी. ठीक है, ये हो गया 3, तो ये 1 एंड 1 कैरी, ये हो गया 3, तो 1 एंड 1 कैरी, और ये हो गया 2 और एक 3, तो 1 एंड 1 कैरी, ये भी हो गया 3, तो 1 एंड 1 कैरी, ये भी हो गया 3, तो 1 एंड 1 कैरी. तो ये 1 हो गया, ये 2 है तो 0 और 1 कैरी, ये भी 2 हो जाएगा तो 0 और 1 कैरी, हो जाएगा 1. ठीक है, फिर ये वाला 1 और एक एक्स्ट्रा 0 ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम 2 8 बिट्स नंबर्स को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 16 बिट्स का होना चाहिए. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन जब हमने किया तो ये क्या हुआ, एडिशन ऑफ 8 पार्शियल प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो इस टाइप से जो है हमें आउटपुट मिलता है. तो जब भी हम किसी फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस फिक्स्ड पॉइंट मल्टीप्लिकेशन कैन बी रिटन एज द समेशन ऑफ 8 पार्शियल प्रोडक्ट्स. हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 पार्शियल प्रोडक्ट्स का सम. ठीक है, और जो आउटपुट जनरेट होगा 8 बिट्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आउटपुट जनरेट होगा वो 16 बिट्स का होगा, मतलब डबल प्रिसीशन का होगा. तो यही कंसेप्ट यूज करके मल्टीप्लाई पाइपलाइन डिजाइन की जाती है. टू एट बिट्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर 4 स्टेजेस की मल्टीप्लाई पाइपलाइन डिजाइन की गई है. तो सबसे इसे क्या बोलते हैं, वॉल्स ट्रीज ऑफ CSAs एंड CPAs टू कैलकुलेट A into B. देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम 8 बिट्स के 2 इनपुट्स देंगे. ठीक है, अब ये जो 2 इनपुट्स हैं ये मल्टीप्लाई रिकॉर्डिंग लॉजिक के पास जाएंगे स्टेज 1 में, और ये मल्टीप्लाई रिकॉर्डिंग लॉजिक क्या करेगी, 8 पार्शियल प्रोडक्ट्स जनरेट करेगी फ्रॉम P0 टू P7
ऑफ बिट्स, 8 बिट्स, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हमने किया था. पहला पार्शियल प्रोडक्ट 8 बिट्स का था, दूसरा 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो 8 पार्शियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो जनरेट करेगा ये मल्टीप्लाई रिकॉर्डिंग लॉजिक. उसके बाद क्या होगा, ये जो आउटपुट्स हैं ये सेकेंड स्टेज में क्या होगा, हमारे पास 4 CSAs होंगे, कैरी सेव एडर. और मैंने आपको बताया था कैरी सेव एडर क्या करते हैं, 3 नंबर्स को एड करते हैं और 2 आउटपुट्स जनरेट करते हैं, एक कैरी वेक्टर होता है और SB होता है सम. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, और अगर ये n बिट्स के इसको इनपुट देते हैं तो ये n+1 बिट्स के आउटपुट, 2 आउटपुट जनरेट करता है. तो हमने इसे इनपुट दिया है 8, 9, 10 बिट्स और तीनों क्या है अलग अलग. अगर ये n होती बिट्स तो ये n+1 जनरेट करता है, लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग बिट्स का इनपुट अगर इसको देते हैं तो ये आउटपुट में जो नंबर्स जनरेट करते हैं, 2 नंबर्स, उनकी साइज क्या रहती है, जो हाईएस्ट बिट का नंबर होगा. तो इसके हाईएस्ट नंबर ऑफ बिट्स किसकी है, 10. तो ये आउटपुट में दो आउटपुट जनरेट करेगा और दोनों कितने होंगे, 10 बिट्स के. सिमिलरली यहाँ पर हम 11, 12, 13 ये 3 इनपुट्स देंगे इसको और ये जो आउटपुट जनरेट करेगा वो 2 आउटपुट जनरेट करेगा ऑफ 13 बिट्स. ठीक है, तो ये इसने 2 13 बिट्स के आउटपुट जनरेट किए. अब क्या हुआ कि यहाँ पर फर्स्ट लेवल पे ये 2 CSA थे, अब क्या हो गया, इसने 2 आउटपुट जनरेट किए. अब देखो हमारे पास यहाँ पर 2 बचे थे, ठीक है, 2 इनपुट्स बचे थे, लेकिन इसको तो 3 चाहिए, तो एक इसको मिल जाएगा और एक इसको मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास 2 CSA हैं, इसको 2 आउटपुट्स इसके मिल जाएंगे, एक आउटपुट इसका मिल जाएगा और इस वाले CSA को ये 2 जो हमारे बचे हुए हैं इनपुट्स वो और ये वाला जो आउटपुट है ये इसको मिल जाएगा. तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट बिट का नंबर कौन सा है, 13 बिट्स का, तो 2 13 बिट्स के आउटपुट जनरेट होंगे. यहाँ पर कौन सा है 15 का, तो यहाँ पर 2 15 बिट्स के आउटपुट जनरेट हो जाएंगे. तो ये हमारी सेकेंड स्टेज हो गई. देखो फर्स्ट स्टेज में हमें 8 आउटपुट्स मिले थे, सेकेंड स्टेज में हमारे 4 आउटपुट्स हो गए हैं. अब ये 4 आउटपुट्स अगेन नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, यहाँ पर 2 CSA यूज होंगे, ये 2 इनपुट्स यहाँ से यूज होंगे, एक 15 वाला यहाँ से आएगा. तो ये हाईएस्ट बिट वाला 15 है, तो आउटपुट में 2 15 बिट्स के नंबर्स जनरेट हो जाएंगे. फिर ये वाला 15 इसके साथ ऐड हो जाएगा. अब देखो ये सारे कितने बिट्स के हैं, 15 बिट्स के हैं. ये से को अगर आप n बिट्स के 3 इनपुट दोगे तो आउटपुट में n+1 बिट्स के 2 आउटपुट मिलेंगे, n+1 के 2 आउटपुट्स मिलेंगे. तो 15 का हो जाएगा ये 16, तो 16 बिट्स के ये 2 आउटपुट जनरेट करेगा. अब नेक्स्ट स्टेज में हम यूज करेंगे CPA, कैरी प्रोपोगेशन एडर. इसके पास ये दोनों 16 बिट्स के आउटपुट जाएंगे और ये आउटपुट में भी क्या जनरेट करता है, सम, और कितने बिट्स का होता है वो भी 16 बिट्स का. तो ये 16 बिट्स के 2 जो नंबर थे इनका सम भी 16 बिट्स का आ जाएगा और वो हमारा फाइनल आंसर होगा. तो इस टाइप से जो है वो मल्टीप्लिकेशन पाइपलाइन वर्क करता है. तो ये किसका डायग्राम था, पाइपलाइन यूनिट फॉर फिक्स्ड पॉइंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 बिट इंटीजर्स. स्टेज 1 क्या करता है, जनरेट्स ऑल पार्शियल प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स ए एंड बी रेंजिंग फ्रॉम 8 बिट्स टू 15 बिट्स साइमल्टेनियसली. तो फर्स्ट स्टेज में 8 पार्शियल प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, 2 नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 8 पार्शियल प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं 8 बिट से लेकर 15 बिट्स के, वो साइमल्टेनियसली जनरेट हो जाते हैं फर्स्ट स्टेज में. स्टेज 2 में कितने होते हैं, 2 लेवल्स होती हैं 4 CSAs की. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 2 लेवल्स ऑफ 4 CSAs. CSAs मतलब कैरी सेव एडर्स मर्ज 8 नंबर्स इनटू 4 नंबर्स. तो इस स्टेज में क्या होता है, 8 पार्शियल प्रोडक्ट्स जो हम उसको इनपुट में देते हैं उससे वो 4 नंबर्स जनरेट कर लेता है ऑफ बिट्स 13, 13, 15, 15 के. ये इतनी बिट्स के 4 नंबर्स जनरेट हो जाते हैं. ठीक है, और जो 8 नंबर्स देते हैं उनमें कितनी बिट्स होती है, 8, 9 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बिट्स वाले 8 नंबर्स का इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलते हैं 4 नंबर्स और जिनमें 13, 13, 15, 15 बिट्स होती हैं. स्टेज 3 में क्या होता है, 2 CSAs होते हैं कैरी सेव एडर्स. तो इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 कैरी सेव एडर्स, 2 CSAs मर्ज 4 नंबर्स इंटू 2 नंबर्स. और ये लेवल क्या करती है कि 2 CSA हैं, जो 2 कैरी सेव एडर्स हैं वो 4 नंबर्स को ऐड करके, 4 नंबर्स को मर्ज करके 2 नंबर्स का आउटपुट जनरेट करता है और दोनों नंबर्स में कितनी बिट्स होती हैं, 16 बिट्स. स्टेज 4 में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 CPA, 1 कैरी प्रोपोगेशन एडर एंड कैरी प्रोपोगेशन ऐड 2 नंबर्स टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट ऑफ 16 बिट्स. तो इसको हम 2 कैरी प्रोपोगेशन को हम 2 नंबर्स देते हैं 16 बिट्स के, तो ये एक आउटपुट, एक सिंगल आउटपुट जनरेट करता है
तो ये एक सिंगल आउटपुट जनरेट करता है 16 बिट्स का, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, यानी जो हमारा फाइनल आंसर होता है।